अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में उतरने वाले हैं। 14 मई को पीएम मोदी नामांकन दाखिल करेंगे, उससे एक दिन पहले उनके रोड शो को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। रोड शो के लिए पीएम मोदी के रथ को भी तैयार किया जा रहा है। काशी भी तैयार है, बीजेपी भी तैयार है। भोलेनाथ की नगरी से तीसरी बार ताल ठोकने के लिए पीएम मोदी भी तैयार हैं। और तो और, पीएम मोदी के रोड शो के लिए उनका रथ भी तैयार है। 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर पीएम मोदी का एक दिन पहले रोड शो का प्लान भी बरकरार है। 14 मई को पीएम मोदी वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार पीएम मोदी काशी नगरी से मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी हर बार एक दिन पहले रोड शो करते आए हैं। इस बार भी पीएम मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंच जाएंगे। 13 मई को ही पीएम मोदी रोड शो में शामिल होंगे। पीएम मोदी वाराणसी के लंका में मालवीय मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। यहीं से वो अपने रोड शो की शुरुआत भी करेंगे। रोड शो लंका से शुरू होकर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेगा, जहां पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के लिए 13 तारीख को आयोजित रोड शो के लिए जो वाहन रथ है वो लगभग तैयार हो चुका है। आइए हम पहले एक नज़र दिखाते हैं उस रथ को, किस तरह से इस रथ को बनाया गया है। काफ़ी सुसज्जित ढंग से बनाया गया है। प्रधानमंत्री इसी रथ पर सवार होकर के 13 तारीख को लंका से लेकर के जो भी यात्रा मतलब मार्ग निर्धारित किया गया है वहां पर रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो के लिए तैयार किए गए रथ की ऊंचाई कम रखी गई है, ताकि आम आवाम से पीएम की ज्यादा दूरी ना हो। साथ ही सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हैं, इसलिए उनके सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से ये रथ तैयार किया गया है। और आप देख रहे हैं कि ये रथ हमारा ऐसा रथ है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े होकर सभी का अभिवादन लेते हुए, सभी को अभिवादन करते हुए इस पर बैठ के रोड शो करेंगे। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भी पीएम मोदी ने नामांकन से एक दिन पहले सिर्फ रोड शो किए थे। इस एक रोड शो के बलबूते ही वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी 3,71,000 वोटों से जीते थे। 2019 में जीत का अंतर 4,75,000 वोटों का रहा है। वाराणसी में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। पिछली दो बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के रिकॉर्ड मतों से जीतने की उम्मीद है। दिनेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।